बैक फ्रेंड्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं इस टाइम लाहौर के बहुत फेमस जिम से बाहर हूँ और वो खुद भी एक बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, फिटनेस में इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं और खुद भी एक बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं। उनका ये जिम है और अंदर से चल के उनसे मिलते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं, सारा सेटअप दिखाता हूँ मैं आपको उसके जिम का। तो उससे भी इतनी अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स, ये जिम की एंट्रेंस है और जिम में एंटर हो रहा हूँ मैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये शान भाई हैं और ये बहुत ही एक फेमस पर्सनालिटी हैं और फिटनेस इंडस्ट्री से टच हैं और बहुत फेमस हैं। इन्होंने अपने चैनल्स के, न्यूज़ चैनल्स पे इंटरव्यू भी दिए हैं और बड़ी फेमस है। ये इनका जिम है अपना, ये ऑनर भी हैं इस जिम के और ये जिम भी रन कर रहे हैं और ये माशाल्लाह बहुत आइडियल इनकी फिजीक है, तो आपने देखा ही है वीडियो में। इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो आप ये बताएं कि जिम भी रन कर रहे हैं और साथ आप मार्शल आर्ट ट्रेनिंग भी रेगुलर कर रहे हैं, डाइट से भी आप कमिटेड हैं, तो ये बताएं कि आसान आपको चीज लगी मैनेज करना या थोड़ा मुश्किल, क्या इसको आप कहते हैं? आप ये समझ लेंगे, अगर आपने कोई भी काम अगर मैनेज करना है, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो वो आसान है, अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो कोई भी काम आपके लिए ना आसान नहीं है। जैसे कि ये मेरा शौक भी है और मेरा पैशन भी है, तो पहले मैं अपनी फिटनेस के लिए अपनी डाइट को बदल सकता हूँ, फिर मैं जिम में आता हूँ या फिर ट्रेनिंग देता भी हूँ, फिर मैं ट्रेनिंग करता भी हूँ। तो जब मैं अपना पूरा डेली की रूटीन देखता हूँ तो मुझे मुश्किल लगता है, जब मैं किसी से डिस्कस करता हूँ तो फिर वो देखने वाले को या सुनने वाले को मेरी रूटीन काफी मुश्किल लगती है। सही है, चलिए बड़ी अच्छी बात है कि आप इतना कमिटेड, हार्ड वर्किंग और इस फील्ड में आप इतनी अरसे से टच हैं, तो बड़ा ये अच्छी बात। दूसरा ये कि मुझे पता है आपने सप्लीमेंट भी यूज
1 किलो या 1.5 किलो गोश्त नहीं खा सकते तो उसी फॉर्म में आप सप्लीमेंट खा सकते हो जो इजी टू आप पी सकते हो और फ्लेवर में आए हुए हैं आजकल, तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब इनमें फूड सप्लीमेंट लिख रहे थे, इट्स जस्ट अ फूड सप्लीमेंट, ये आपकी सेहत के लिए आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और आजकल तो एक बड़ा एडवांस भी निकल आया है फूड सप्लीमेंट, उनमें BCAA, अमीनो एसिड्स, क्रिएटाइन, ये सारी चीजें उन्होंने पैकेज पूरा बना के। अब ये बताएंगे क्वेश्चन, मैं जिम में क्वेश्चन मेरे से भी लड़के कुछ पूछते हैं कि यार ये क्रिएटाइन का साइड इफेक्ट है या नहीं है, और आप इसको डेली में कितना यूज कर सकते हैं, 3 से 5 ग्राम पर डे अगर आप लें क्रिएटाइन, तो कोई साइड इफेक्ट है या नहीं? नहीं, देखिए पहले क्रिएटाइन तो वो बंदा यूज करे जो पहले रेगुलर ट्रेनिंग कर रहा है, बिल्कुल जो स्टार्टर है जिसने वो ना करे। अच्छा, जब आपने एक्सरसाइज कोई 5-6 माह कर लिया, अब आप क्रिएटाइन यूज कर सकते हो। इसका यूजेस कितना करना है, आप 10 ग्राम तक अपनी बॉडी में कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके साथ आपने वाटर इंटेक ज्यादा करना। अक्सर लड़के ये करते हैं कि क्रिएटिन ज्यादा ले लेते हैं फिर, लेकिन इसके साथ वाटर इंटेक नहीं करते, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। और कोशिश करेंगे 2 मंथ्स रेगुलर यूज करें और उसके बाद 2 मंथ्स इसमें गैप दे दें, रेस्ट दे, गैप देना जरूरी, गैप देना, उसके बाद फिर कर सकते हैं, कर सकते हैं आप। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। तो शान भाई, ये है कि आपके जिम का बड़ा माशाल्लाह जबरदस्त सेटअप, और खासतौर पर लोकेशन जो आपने चूज किया ना, बहुत जबरदस्त आइडियल लोकेशन, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है ये। जी जी, तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और फ्रेंड्स, इन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट, मैंने एक दफा इनसे की और इन्होंने मुझे कहा कि आप प्लीज आए जिम में और आप उनसे बातचीत कर सकते हैं जिम में, देखें मेरा, तो मैं इनसे मिलके बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। बहुत ही नाइस पर्सन है फ्रेंड्स ये, और बड़ा मजा आया इनसे बातचीत करके मिलके। आप इनसे, इनका एक यूट्यूब चैनल भी बड़ा फेमस चल रहा है, और यूट्यूब चैनल बीट मसल्स के नाम से यूट्यूब चैनल, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो जरूर इनके यूट्यूब चैनल को आप सर्च कीजिएगा। बहुत अच्छी टिप्स दी हुई हैं इन्होंने, और ये इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, उस पर भी इनकी आप क्लिप्स चेक कर सकते हैं ट्रेनिंग के। और मजीद इनसे इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे। अब आप इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, तो इंशाल्लाह फिर होती है आपसे फ्रेंड्स मुलाकात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। I know we blowin' smoke, cheese, me light a fire like a monster. Hit the full stage, strolling, we gon' fucking show in a cop car. She was legendary through a TV of the window of the montage. Cooking on the table like a bone, don't give a damn. Your girlfriend is a whip and she's just tryna get in. Say you know what the band, hey, hey. Now she acting out of pocket, try to grab her from my pants.